लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में मिशन 25 को हासिल करने के मकसद से सभी दल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जहां बीजेपी का आईटी सेल हर जगह सक्रिय है, वहीं अब कांग्रेस भी इसी तर्ज पर विशेष रणनीति बना रही है। प्रदेश में कांग्रेस की प्रचार प्रकाशन कमेटी सोशल मीडिया पर नकारात्मक हमलों का जवाब सकारात्मक तरीके से देगी। इतना ही नहीं, ये टीम स्लोगन, नारे, भाषण और रैलियों में लगे पोस्टरों पर भी नजर रखेगी, ताकि किसी प्रकार का निगेटिव संदेश प्रकाशित ना हो सके। कांग्रेस पार्टी का प्रचार किस तरीके से किया हम करें, इस बात पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। कमेटी के सारे मेंबर्स ने चर्चा की है। आमतौर पर जिस तरीके से प्रचार तीन तरीके से हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। कांग्रेस हमेशा सकारात्मक तरीकों पर विश्वास करती रही है। कांग्रेस सकारात्मक प्रचार करेगी। चुनाव प्रचार प्रकाशन कमेटी का इस बात पर भी फोकस रहेगा कि आधी आबादी यानी महिलाओं के मुद्दे को किस तरीके से चुनाव में उठाया जाए। महिला और बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि बढ़ते महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर नाकामी जैसे तमाम मुद्दे चुनाव प्रचार का बड़ा हिस्सा रहेंगे। पिछले 5 वर्षों में एनडीए के द्वारा, मोदी जी द्वारा, बीजेपी की सरकार द्वारा जनता को परेशान किया गया, नाजायज महंगाई का भार डाला गया। मैं समझती हूँ हम महिलाओं के मुद्दे के ऊपर इसको ज्यादा लेके जाना चाहेंगे कि गैस सिलेंडर का भाव और हर तरह से जो महंगाई का है, उन सब चीजों को हम पब्लिसिटी के अंदर डालेंगे, जिससे जनता रूबरू रहे उन बातों से, जनता उन चीजों को समझे कि किस तरह से 5 साल में हम लोग प्रताड़ित रहे। कमेटी की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे कांग्रेस इनोवेटिव तरीके से अपना मैसेज जनता तक पहुंचाए। इसके लिए कमेटी एक्सपर्ट टीम की भी मदद ली जाएगी और इस कमेटी की एक टीम सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार का जिम्मा भी संभालेगी। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलने में कामयाब रही कांग्रेस पार्टी क्या हाईटेक चुनाव प्रचार के जरिए मिशन 25 को भी हासिल कर पाएगी।